देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ओबीसी नेताओं की कमी ने बढ़ाया टेंशन, बीजेपी कैसे लुभाएंगी 40% वोटरों को। नागपुर चुनाव प्रचार के लिए काफी कम समय बचा है, ऐसे में ओबीसी नेताओं की कमी ने भाजपा का टेंशन बढ़ा दिया है। चिंता इस बात की है कि राज्य में 40% ओबीसी वोटरों को कैसे लुभाया जाए। महाराष्ट्र की रियासत में ओबीसी एक बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रमुख ओबीसी नेताओं की बात की जाए तो गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से और विनोद तावड़े माने जाते थे, जो ओबीसी के वोट को लेकर पार्टी में आए थे। विदर्भ की बात करें तो ओबीसी वर्ग से आने वाले नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को भी इस बार पार्टी ने चुनाव मैदान से बाहर रखा है। बीजेपी के 6 पदाधिकारी पार्टी से निष्कासित। गोंदिया विधानसभा चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी विधायक गोपाल दास अग्रवाल के खिलाफ कार्य करने वाले भाजपा के 6 प्रमुख पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। यह कार्रवाई गोंदिया जिला अध्यक्ष हेमंत पटले ने हाईकमान के आदेश पर की है, जिनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई है। उनमें भाजपा के जिला महामंत्री भाऊराव उके, मंडल अध्यक्ष छत्रपाल तुरकर, अमित बुद्धे, रतन वासनिक, महामंत्री गोंदिया मुनेश रहांगडाले तथा रामराज खरे का समावेश है। पटेल ने कहा कि जो कार्यकर्ता और पार्टी का पदाधिकारी पार्टी के खिलाफ चुनाव में कार्य करेगा, उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ता सप्लायर व्यवसाय जोरों पर भीड़ जमा करने घंटों के हिसाब से लेते हैं पैसे। उम्मीदवारों के प्रचार को कितने लोगों की भीड़ रहती है, इस पर उन उम्मीदवारों का वजन या वह कितना भारी उम्मीदवार है, इसका अंदाजा लगाकर ही कार्यकर्ता की व्यवस्था की जाती है। उम्मीदवार प्रचार सभा अथवा प्रचार रैली को बड़े पैमाने पर भीड़ जमा करने का काम करते हैं। इसके लिए घंटों के अनुसार किराए से कार्यकर्ता आपूर्ति करने वाले दुकानदारों का व्यवसाय जोरों पर चल रहा है। 2 घंटे के लिए 200 रुपए, 3 घंटों के लिए 300 रुपए तथा 4 घंटों से अधिक समय के लिए 500 रुपए तय किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।